coming here for the public speaking and conference plus it means that आप किस तरीके से अपने कॉन्फ्रेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने खुद एतमादी को बिल्डअप कर सकते हैं, उनको एतमादी के लिए आप यहाँ पर आए। खुद एतमादी किसे कहते हैं? व्हाट इज द वे व्हाई आई मीन दैट यू लूज योर कॉन्फ्रेंस, आपका कॉन्फ्रेंस डाउन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह तबाराक व तआला ने आपको बनाया, मुझे बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, हर चीज को बनाया। यस नो? यस सर। अब बनाने वाले ने जब बनाए हैं तो डेफिनेटली उसने उसके सिस्टम के हिसाब से उसको चीजें दी होंगी। Yes, yes, no. Yes, yes, sir. जब आप ये समझते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और बनाने के बाद इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने मौशरती निजाम की वजह से हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मवाजना करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम अपने आप को दूसरे से मवाजना करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फिर हम महसूस करते हैं कि हम दूसरों से कमतर हैं। मिसाल के तौर पे सामने वाले शख्स ने 6000 का सूट पहना है और आपने पहना है 3000 रुपए का सूट। जब आप उससे बात करते हैं और बातों बातों में आप उससे पूछते हैं तुम्हारा सूट कितने का है, तो वो कहता है कि 8000 रुपए का, और आपने सूट पहना हुआ है 4000 रुपए का। जैसे ही उसने 8000 का नाम लिया, आपके दिमाग में आपके 4000 का सूट आता है, आपका 4000 रुपए आएंगे, आप उसको अपने सूट की कीमत नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? उसकी वजह यही है कि उसने 8000 पहले बोल दिया, आपका सूट 4000 का है। जैसे ही 4000 का नाम दोगे तो इसका मतलब ये हुआ अपने आपको आप डाउन महसूस करोगे, और डाउन महसूस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। इसके साथ ऐसा भी इसलिए होता है कि सामने वाले के अब आप सामने वाले के ड्रेस के अंदर गलतियां और फॉल्ट निकालना शुरू हो जाएंगे। सामने वाले ने मोबाइल लिया है, वही मोबाइल उसने सैमसंग का लिया है, आपने भी लिया है, उसके पास मोबाइल 16000 रुपए का है और आपके पास ये वाला मोबाइल है। जब वो मोबाइल निकाल कर सामने रखेगा, आप ये मोबाइल निकाल कर सामने नहीं रखोगे, क्योंकि आप अपने आप को डाउन महसूस करोगे, उसके ऊपर 16000 का मोबाइल है, मैं 1600 का मोबाइल भी लेकर नहीं घूम रहा। Yes, no. Yes, yes, इसी तरीके से हम हर एक चीज के अंदर दूसरों से कंपेयर करते हुए आ रहे हैं। और माय डियर यही तो कह रहे हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, द मोमेंट यू लूज योर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इसका मतलब यही है कि जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मवाजना करना शुरू कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। और जिस चीज के अंदर भी आप अपने आप को दूसरों से मवाजना करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने आप कॉन्फिडेंस को लूज करना शुरू कर देंगे। तो आज के बाद तो वन थिंग इज दैट एक चीज को छोड़ दें, बिकॉज यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप इस दुनिया के सबसे अहम शख्स हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है। जिस तरह आप हैं कोई और नहीं है इस दुनिया के अंदर, यू आर द ओनली मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक मास्टरपीस आप हैं। आप जैसा इस दुनिया में जब कोई है ही नहीं, तो फिर अपने आप को दूसरों से मवाजना करने की जरूरत क्या है? यस नो? यस। आप जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं है, जब आप जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर मेरी चीज है, मैं हूं जैसा हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, मैं अपने लिए हूं। सामने वाले से क्यों कंपेयर करूं? 8000 का सूट पहना हो या 4000 का सूट पहना हो, कपड़े पहने जाते हैं जिस्म को छुपाने के लिए। 16000 की घड़ी ली हो या 8000 की घड़ी ली हो या 80 रुपए की घड़ी ली हो, अगर वक्त सही बताती है तो बस घड़ी काफी है। यस नो? यस सर। बात समझ में आ रही है आपके? मगर होता क्या है कि हम 4000 का जूता पहन के खुद को बहुत अकड़ते हैं। भाई जूते का काम आपके पांव को छुपाना और हिफाजत करना है। आपके उसके पास 4000 थे, उसने 4000 का जूता पहन लिया, आपके पास 400 रुपए थे, आपने 400 रुपए का जूता पहन लिया। दैट इज द फाइनल थिंग।